Assalamualaikum viewers. आज हमेशा की तरह हमारा एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है. रोज लाखों लोग रगड़ा खाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में गाय भैंसों की तरह काम करते हैं. वो कहते हैं ना कॉर्पोरेट स्लेव्स, बिल्कुल वैसे. वैसे आज हम एक ऐसे ही डिपार्टमेंट के बॉस का इंटरव्यू करने जा रहे हैं और मैं बहुत डरा हुआ हूँ. क्यों? क्योंकि ये मेरे ही बॉस का इंटरव्यू है. तो चलें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके सर? क्या हो रहा है सर? हाँ, क्या हाल है भाई तेरा? सर बस ठीक ही हूँ, जैसे आपने छोड़ा था वैसे ही हूँ सर. तो जाहिर है यार, तुम लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं तो और मैंने क्या करना है. अच्छा जल्दी जो सवाल जरूर पूछने, जल्दी करो जरा, मैंने जाना है. ठीक है सर. सर पहले सवाल की तरफ आते हैं सर. आजकल सर क्या हो रहा है सर जी? यार आजकल बस ये वो एक काम से पटी पड़ी है यार. वो बस ट्रैवलिंग इतनी हो रही है. वो अभी मैं ज्यूरिख गया हुआ था मीटिंग के लिए, उसके बाद आई टू जस्ट अनवाइंड, आई वेंट टू मालदीव्स, उसके बाद बस अभी फिर अभी वापस आए हो यार. ये चल रहा है बस, काम शाम और क्या. ओ बाय द वे यार, कैन आई हैव अ स्मोक? नो सर, हम लाइव हैं सर, स्मोकिंग अलाउड नहीं है सर लाइव टीवी पे. ओ लाइव, अच्छा तुमने वो खाली चाय शाय के ऊपर टकाना है, वो नहीं रखी हुई थोड़ी सी? नो सर. अच्छा अच्छा अच्छा, सिंपल माहौल है. जी सर. ठीक सर, इस साल हमारे एम्प्लॉई अप्रेजल्स का क्या बना सर? साल का एंड है तो हमारे अप्रेजल्स आने वाले हैं. वो अप्रेजल? कौन से अप्रेजल यार? वो तुम लोगों ने काम ही क्या किया है? सारा वो काम कर करके तो मैं मरा होता जाके, वो बैंक खसारे में जा रहा है. चलो शाबाश, दौड़ जाओ. कौन से अप्रेजल? और बाय द वे मुझे बताओ, मेरी नई गाड़ी बाहर खड़ी है, जरा चेक तो करके आओ. खड़ी सर गाड़ी? हाँ यार, एक छोटी सी बस मैंने ऑडी शाउडी ली है, और एक छोटी सी बस वो डिफेंस में कोठी में रही है बस. पर सर बैंक तो खसारे में जा रहा था. ओए नौकरी करनी कि नहीं करनी? सॉरी सर. सर वो सीवीज आए थे सर सेक्रेटरी की जॉब के लिए, तो मैंने सर बहुत टैलेंटेड लड़कों को सर शॉर्टलिस्ट किया है, आप जरा देख लीजिएगा एक नजर. ओए तुम्हें कितना अरसा हो गया मेरे साथ काम करते यार, बॉयज कब से टैलेंटेड हो गए यार? कोई अच्छी कोई फीमेल्स के सीवी आने चाहिए, बल्कि कोई रेज्यूमे आए तो मुझे भेजो, मैंने खुद इंटरव्यू करूंगा. ओ यार ऑफिस का कोई डेकोरम होता है, कोई मॉल शॉल होता है, ये क्या लड़कों का तुमने रखा हुआ है? हेलो. ओए सुना डॉगी, क्या हाल है तेरा? ओए अच्छा अच्छा, वो मिलान फैशन वीक का क्या बना यार? होगी? ओ चल फिट है यार, वो तेरी भाभी बड़ा तंग कर रही थी, कह रही थी जाना है जाना है. चल ओके, लग दी गप फिर. ओके बावे. वाओ सर, आप मिलान जा रहे हैं सर? ओ यार वो ऐसे बस फ्रेंड्स वगैरह जो है ना, वो थोड़ा फोर्स कर रहे हैं कि चले जरा मिलान फैशन वीक. मैं भी जरा कह रहा हूँ जाकर थोड़ा फ्रेश हूँ. नथिंग इम्पोर्टेंट. अच्छा सर, वो हमारे चौकीदार हैं सर, लतीफ चाचा सर, उनका बेटा बहुत बीमार है सर. अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता तो सर उसके इलाज में मदद हो जाएगी. हाँ यार बिल्कुल होनी चाहिए, हेल्प क्यों नहीं होनी चाहिए, इतने हमारे पुराने एम्प्लॉई. तो मैं ऐसा करो, सारे ऑफिस वालों को ना जरा एक ईमेल डालो, उनसे कहो कि कॉन्ट्रीब्यूशन करो. मेरी तरफ से 500 रुपये डाल देना यार, मैं भी दे दूंगा यार, ऐसी कौन सी बात है. 500? ठीक है सर. सर वो आपके छोटे बेटे और आपकी बड़ी बेटी और आपकी बहन की बेटी के सर मैंने प्रोजेक्ट्स बना दिए सर, और आपको ईमेल भी कर दिए सर, आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है गुड. अच्छा बाय द वे यार, वो जो सिद्दीकी साहब है ना मेरे मोहल्ले में, उनकी बेटी जो है ना उसका भी एक असाइनमेंट करना है, वो रह गया है, वो मैंने ईमेल कर दी थी, वो भी जरा तैयार कर दे. वो उस बेचारे ने कॉन्सर्ट पर जाने, उसके पास कहाँ टाइम होगा, तो वो कर दी जरा तैयार. सर लेकिन सर छुट्टी हो चुकी है सर, मैंने घर आज जल्दी जाना था सर, प्लीज सर. ओ यार क्या हो गया, थोड़ी देर से क्या फर्क पड़ता है? सुबह तू एक काम करे ना, 5 मिनट जरा लेट आ जाए. 5 मिनट? अच्छा मुझे ये बता, वो बुलावल नजर नहीं आ रहा. सर वो उसकी मदर सर बहुत सीरियस थी, तो सर वो खून का पता करने जाना था उसने, तो मैंने उसे कहा कि चले जाओ. ओहो अल्लाह खैर करे. किससे पूछ के गया? सर इंसानियत के नाते सर, मैंने मेरे अंदर थोड़ी बहुत तो है सर इंसानियत, तो मैंने उसको कहा कि चले जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा सर का काम, आप फिक्र ना करें. ओके अच्छा, तो फिर एक काम करो, जब वो आता है ना उसको उसका थैंक यू लेटर दे दो, और साथ 2 या 3 महीने का उसको बोनस भी दे दो. ठीक है, वी डोंट नीड हिम यार. सर थैंक यू का लेटर क्यों? कमाल वाली बात है यार, इतना तू स्मार्ट आदमी है, 2 बंदों के काम करता फिरता, तो उसका काम तो तू आराम से संभाल लेगा. मुझे अंदाजा है तेरे घर में भी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. ठीक है, समझ रहा है ना मेरी बात को? तो डू इट एज आई से. ठीक है सर. चल यार मैं अब चलूँ, निकलूँ, मैंने जरा जाना है यार काम से, मैंने क्लब जाना है, मैं जाके अब घर तैयार हूँ जाके. और
सुबह 9 बजे ना प्रेजेंटेशन मेरी टेबल पे होनी चाहिए, समझ आई ना मेरी बात की? अच्छा सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बॉस पसंद आ गया तो सब्सक्राइब भी कर लो और घंटी भी बजा दो, आपके कौन से पैसे लगने,